जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे आज की सबसे बड़ी खबर, 5 साल संविदा पर नौकरी पर योगी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव चालू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, सड़कों पर लोगों का आंदोलन जो है गुस्सा दिखाई दे रहा है, जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे केंद्रीय मंत्री हुए कोरोना पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, कौन से केंद्रीय मंत्री है जिन्हें कोरोना हो गया, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे आज की सबसे बड़ी खबर, जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर गूंजा एक बहुत ही बड़ा सोशल कैंपेनिंग ट्विटर पर, जानेंगे कौन सा सोशल कैंपेनिंग जो है प्रधानमंत्री जन्मदिन के ऊपर जी हाँ दोस्तों चला गया, ट्रेंड कर रहा है, जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे कोरोना वायरस को लेकर भारत में क्या आंकड़े बने हुए हैं, किस प्रकार देश में हालात बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन तमाम चीजों को जानेंगे एक एक करके विस्तार से। साथ ही हम आपको बताएंगे बॉलीवुड की सबसे बड़ी खबर, जी हाँ दोस्तों, जया बच्चन के बयान के बाद किस प्रकार बॉलीवुड की तरफ से जो है लोगों ने जो है उनके पक्ष और विपक्ष दोनों में बयान दिया। जी हाँ दोस्तों, साथ ही हम आपको बताएंगे जया बच्चन के खिलाफ पाकिस्तानी एक्टर ने कहा थप्पड़ मारने की भी नौबत आ सकती है, इन तमाम लोगों के खिलाफ जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे लोकल और पैसेंजर ट्रेनों से जी हाँ दोस्तों जुड़ी तमाम चीजें विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, इस समय देश की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है रोजगार को लेकर। रोजगार को लेकर योगी सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया और उन्होंने कहा कि 5 साल अब लोगों को संविदा पर यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करना होगा नौकरी पाने से पहले, जिसको लेकर योगी सरकार के 5 साल के इस पेपर पूरी तरह से जो है विरोध किया गया। सड़कों पर बवाल हो रहा है, गाड़ियों में तोड़फोड़ किया जा रहा है, पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबरों में, एक तरफा जहां देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17वां जन्मदिन जनसेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा था, तो वहीं विपक्षी पार्टियां एसपी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बेरोजगारी के मुद्दे पर अपने अपने ढंग से प्रदर्शन कर रही है। योगी सरकार के नौकरी में 5 साल संविदा प्रस्ताव का जमकर विरोध किया जा रहा है। गुरुवार को प्रयागराज में इस प्रस्ताव के विरोध में छात्र और युवा सड़कों पर उतर आए। इस दौरान झड़प के बाद पुलिस ने लाठियां भाजकर प्रदर्शन करने वालों को खदेड़ा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंकने के साथ साथ कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी किए। प्रयागराज में बालसन चौराहे पर सरकारी नौकरियों में संविदा नियुक्त के प्रस्ताव का विरोध कर रहे प्रतियोगी छात्रों ने पुलिस ने हल्का सा बल प्रयोग किया। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झड़प बढ़ती गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया। पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया। इस दौरान कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई। लगातार देश में जहां जीडीपी नीचे गिरती जा रही है, प्रधानमंत्री हो और केंद्र सरकार, तमाम लोगों के मिलने के बावजूद जहां दोस्तों सभी रणनीतियां पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आ रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी एक बहुत ही अनोखा फैसला सुनाया, जिसमें इस बात साबित होती है गरीबों के लिए यह फैसला कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है, क्योंकि 5 साल संविदा पर रखने के बाद देश में युवा और बेरोजगार छात्रों के बीच जो है एक आक्रोश का माहौल बन चुका है योगी सरकार के खिलाफ। बात करें अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ, तो कोरोना वायरस की चपेट में आए केंद्रीय मंत्री जी हां दोस्तों नितिन गडकरी, उन्हें हो गया है कोरोना पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, और जनता से उन्होंने अपील की है कि लोग उनके जो भी संपर्क में आए थे, जो भी आसपास में, वो तुरंत ही क्वारंटाइन हो जाए या फिर अपना जांच करवाए। अब बात करते हैं ताजा रिपोर्ट के अनुसार कोरोना मामले पर एक नजर देखते हैं। जी हां दोस्तों, 51 लाख से ज्यादा लोग भारत में अब तक इस भयंकर बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। केंद्र सरकार ने जहां वादा किया था कि 21 दिन में कोरोना को खत्म करेंगे, वहां पर इस मामले को देखते हुए तो ऐसा नहीं लग रहा है। साथ ही सरकार के लगाए गए सख्त लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी जो है प्रतिशत बढ़ती गई और आजादी के बाद भारत की जीडीपी माइनस में जा चुकी है। जी हां दोस्तों, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा जो है एजेंडा बन चुका है और विपक्षी पार्टियां लगातार इस बात को लेकर सरकार को ट्रोल कर रही हैं और अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई मुद्दों पर जो है घेरा जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और इसी मौके पर जी हां दोस्तों राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में साफ साफ झूठ कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि चीन ने लद्दाख में हुए हमले में किसी भी प्रकार का कोई कब्जा नहीं हुआ है, लेकिन राजनाथ सिंह ने 2 दिन पहले ही जी हां दोस्तों राज्य लोकसभा में अपने भाषण में कहा कि जो है लगभग 38,000 किलोमीटर तक जो है चीन ने जो है कब्जा कर रखा है लद्दाख के कुछ इलाकों में, जिसको लेकर अभी वाद विवाद चल रहा है। यानी किसी न किसी प्रकार से बीजेपी सरकार आपस में ही जो है झूठ बोल रही है, या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को गुमराह कर रहे हैं या तो रक्षा मंत्री। जी हां दोस्तों, इन बयान से ये बात साफ होती है। बात करें महाराष्ट्र, जहां केंद्र बिंदु लगातार बना हुआ है, जहां पे 11 लाख से ज्यादा मामले अभी तक रजिस्टर किए जा चुके हैं कोरोना वायरस को लेकर। अभी भी जो है लॉकडाउन लगाया गया है कई इलाकों में जहां पे कंटेनमेंट जोन है, बाकी इलाकों में जो है लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब बात करते हैं बॉलीवुड की सबसे बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड में कंगना ने जो है एक माहौल बनाया, जिसके बाद से जी हां दोस्तों बॉलीवुड में जो है पहले नेपोटिज्म पे हमला हुआ, उसके बाद देश के सभी जितने भी कलाकार हैं और जिनके उनके बेटे थे या बेटियां थे, उनको ट्रोल किया गया सोशल मीडिया के माध्यम से, और किस प्रकार नेपोटिज्म की वजह से सुशांत सिंह के मामले को जोड़ा गया था, क्योंकि नेपोटिज्म का कहीं ना कहीं हवाला देते हुए नेपोटिज्म की वजह से सुशांत सिंह ने आत्महत्या की थी। उसके बाद यह मामला ड्रग्स की तरफ चला गया और उसके बाद बॉलीवुड में ड्रग्स के खिलाफ जो है कंगना रनौत ने अपनी आवाज उठाई और
चीज को लेके देश में उनको सपोर्ट मिला, देश की बेटी। जी हाँ दोस्तों, तमाम चीजों के साथ साथ जया बच्चन ने बहुत ही बड़ा, जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में अपने भाषण में उन्होंने कहा कि जिस थाली में ये लोग खाते उसी में छेद करते। उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे जया बच्चन को लेकर कई तरह की टिप्पणियां की गई। और पाकिस्तानी अदाकारा ने तो यह भी कह दिया कि उनकी उम्र का लिहाज किया जा रहा है, नहीं तो उनके पास शब्द नहीं है कि जया बच्चन ने जिस प्रकार की बात कही, जिस प्रकार बॉलीवुड से उन्होंने पैसे कमाए, बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन हो चाहे उनका पूरा परिवार हो, जिस प्रकार बॉलीवुड से पैसे कमाए उसके हिसाब से कोई भी तरह से जो है उन्होंने बॉलीवुड में किसी भी गैर जो फैमिली के हैं, जो नेपोटिज्म के बाहर के लोग हैं, उनको किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं दिया गया। इन तमाम चीजों को लेकर जो है जया बच्चन की काफी ज्यादा जी हां दोस्तों ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया था वो लोगों को नहीं भाया। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है इंडिया चाइना के बीच में। जी हाँ दोस्तों, हिंद महासागर क्षेत्र में घुसा चीनी पोत भारतीय नौसेना के डर से वापस लौटा। लगातार भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है और ये विवाद जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में हमले के बाद से ही देश में जो है बायकॉट चाइना की लहर दौड़ी। उसके बाद भारत सरकार ने चीन के सभी एप्स को पूरी तरह से बैन कर दिया, जिसकी वजह से चीन जो है बलखला उठा और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, क्योंकि सबसे ज्यादा इकोनॉमी जो जैसे जी हाँ दोस्तों जो उसको रेवेन्यू मिलता था वो भारत से मिलता था, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा यूजर्स थे उसके एप्स के। बात टिकटॉक की जो बहुत ही ज्यादा चर्चित है, जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा यूजर्स जो है आधे से ज्यादा लोग जो है सिर्फ और सिर्फ इंडियन थे, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इसी बीच जी हाँ दोस्तों, अब चीनी सेना जो है कुछ नए जो है पैतरे आजमा रही। इसी बीच जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में LAC पर तनातनी के बीच चीनी युआन वांग श्रेणी के एक अनुसंधान पोत ने पिछले महीने मलक्का जलसंधि में हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश किया था। क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोतों द्वारा लगातार इसे ट्रैक किया गया था। भारतीय नौसेना के जहाजों की लगातार निगरानी में रहने के बाद कुछ दिनों पहले यह जहाज चीन लौट गया। इसके बाद से ही चीन पोते ऊपर भारतीय नौसेना की तरफ से तैनात किए गए युद्धपोत से इस पर कड़ी नजर रखा है। बात करें हिंद महासागर में ताकत बढ़ा रहा है चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी मजबूती बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की सेना की बढ़ती मौजूदगी के मद्देनजर नौसेना अपनी क्षमता पर बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वैश्विक नौसेना विश्लेषकों के मुताबिक चीन के पास 50 से ज्यादा पनडुब्बी और करीब 350 पोत हैं। अगले 8 से 10 सालों में जहाजों और पनडुब्बियों की संख्या 500 से ज्यादा हो जाएगी। भारत भी बढ़ा रहा है समुद्री ताकत। जी हां दोस्तों, नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के वास्ते 55,000 करोड़ रुपए की बृहद परियोजना की निविदा प्रक्रिया अक्टूबर तक शुरू होने वाली है। चीन की नौसेना की बढ़ती ताकत के मद्देनजर ये पनडुब्बियां भारत की सामरिक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। रणनीतिक भागीदारी मॉडल के तहत भारत में इन पनडुब्बियों का निर्माण होगा। इसके तहत घरेलू कंपनियों को देश में अत्याधुनिक सैन्य उपकरण निर्माण के लिए विदेशी रक्षा कंपनियों से करार करने की अनुमति होगी और आयात पर निर्भरता घटेगी। सूत्रों के बताया कि परियोजना के संबंध में IRFE यानी अनुरोध प्रस्ताव जारी करने के लिए पनडुब्बी की विशेषता और जरूरी मानदंडों को लेकर रक्षा मंत्रालय भारतीय नौसेना की अलग अलग टीमों द्वारा काम पूरा हो चुका है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, चलते हैं अपने अंतिम खबर की तरफ जो है रेल मंत्रालय को लेकर। जी हाँ दोस्तों, रेल मंत्रालय को लेकर देश में जो है एक अलग सा माहौल बना हुआ है। NTPC के एग्जाम्स को लेकर जहां 2 साल का समय बीत चुका है, इसी बीच जो है बच्चों के आंदोलन के बाद ट्विटर पे हो चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो, तमाम जगहों पे जो है बच्चों ने काफी ज्यादा आंदोलन किया। बार बार प्रधानमंत्री रेल मंत्रालय को टैग करने के बाद आखिरकार फाइनली जो है एक डेट मिल चुकी है कि 15 दिसंबर से NTPC और ग्रुप डी के एग्जाम्स होने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 1.5 लाख से ज्यादा पोस्ट हैं और इनमें 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जो है 2.5 करोड़ लगभग 2 करोड़ 47 लाख लोगों ने जो है इसके लिए फॉर्म के लिए जो है आवेदन किया है। अब बात करते हैं स्पेशल और लोकल ट्रेनों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लोकल ट्रेनों को लेके हाईकोर्ट ने भी महाराष्ट्र सरकार से साफ साफ पूछा है कि आखिर कब तक महाराष्ट्र सरकार लोकल ट्रेनों को बंद करेगी, क्योंकि लोकल ट्रेनों को चालू करने के लिए मुंबई के कई उपनगर इलाकों में लोगों ने भीड़ जमा किया और उसके साथ ही आंदोलन किया कि आखिर कब तक लोकल ट्रेन बंद रहेगी, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया खत्म हो रही है। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म हो चुका है, उसके बावजूद लोकल ट्रेन को अभी तक शुरू नहीं किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लोकल ट्रेनों में अभी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को सफर करने का मौका दिया जा रहा है जो अनिश्चित जी हाँ दोस्तों जो है किसी काम में लगे हुए हैं, किसी न किसी प्रकार से COVID-19 के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ, रेलवे कर्मचारी और बैंक कर्मचारी के लोग शामिल हैं। तो दोस्तों 20 सितंबर के बाद से जो उम्मीद की जा सकती है कि लोकल ट्रेनों को जो है पहला चरण शुरू कर दिया जा सकता है, ऐसे जो है सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है। अब बात करते हैं स्पेशल ट्रेनों की संख्या को लेकर। जहां दोस्तों 21 सितंबर से 40 नई स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रेनें चलाई जा रही है। इनमें खास बात यह है कि इनमें आपको सिर्फ कंफर्म टिकट ही मिलेगा, यानी कि अब वेटिंग का आपको झंझट ही नहीं होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने के लिए जहां दोस्तों सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लेते हुए इन 40 स्पेशल ट्रेनों में अब यह सुविधा दी गई कि आपको सिर्फ इन टिकटों में कंफर्म टिकट ही दिया जाएगा और किसी प्रकार का RSC और वेटिंग लिस्ट नहीं दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी खबर है। जी दोस्तों, अगर आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।